हे गाइस, सो व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं सायरा के 6th बर्थडे से। सो हमारे सब रिलेटिव्स जो हैं वो आए हुए थे, भाई भाभियाँ, और सायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सो हमने रात को 12 बजे उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और ये था नेक्स्ट डे, सायरा के स्कूल में उसकी PTM थी और एक बुक फेयर लगा था, तो वहाँ पर मैं गई थी। उसको लेके नहीं जाना था, बच्चों को अलाउड नहीं था। और ये उसकी PTM का मैंने शूट किया थोड़ा सा क्लासरूम से, जो कि बहुत अच्छा क्लासरूम है उसका, यू कैन सी गाइज। और ये सायरा गई थी सैलून आज, अपने हेड वॉश करवाया, स्पा करवाया। और ये हम सब बैठे हुए थे फैमिली, बहुत दिनों के बाद हम लोग सब इकट्ठा हुए थे, तो बातें हो रही थी। बस सॉन्ग वगैरह सायरा को एक उसकी ताई जी ने स्पीकर दिया था, वो उसके साथ माइक के साथ गाने गाने के लिए लगे हुए थे। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? सो ये आपने देखा आज कि ये देखो बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे सायरू। आज सायरा का सैलून का सेशन था, आज उसके सैलून लेके गए थे, हेयर कट करवाया, ट्रिमिंग करवाई, एंड ये देखो। और सुबह सायरा को कल मिलेगा एक सरप्राइज, बहुत प्यारा सा, ये तो सुबह ही पता चलेगा। और अभी हमारे जो रूम की है वो सेटिंग चेंज हो चुकी है, बिकॉज घर पे आया हुआ है मेरा भाई। तो ये बेड जो है, सोफा कम बेड है, तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, बिकॉज आपको तो पता ही है मुंबई में रूम्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो बस, और इसको वैसे तो रूम्स का कोई ऐसे इतना बड़ा इशू नहीं है, बट इसको चाहिए होता है कि अपना वर्क फ्रॉम होम करना रहता है कुछ ऐसे, तो वो करना होता है इसने, तो इसको प्रॉपर वो टाइम चाहिए होता है अपना, मूवीज एंड ऑल के लिए, मतलब सब चीज़ों के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप सो। सो कल अब आपको बताएंगे पूरा वाला इसका बर्थडे सेलिब्रेशन। आज जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, मैंने कल मिलेगी सरप्राइज स्लाइम किट भी, वो देखो इसकी दादी माँ, पैसा मिल गया देखिए इसको, दादी ने पैसे दे दिए खूब सारे। और इसको एक बड़ी प्यारी सी कुछ इयर रिंग्स भी मिले हैं, जो सुबह मिलेंगे इसको दादी दादू की तरफ से। मम्मा आपको पता है, अगर हमने ट्रिमिंग करवाई होती है ना अपने बालों की, हमने 3 डेज अपने बाल ओपन करके रखने होते हैं। यस आई नो, वाह वो देखो पैसे आ रहे हैं। काउंट हो रहे, दादी ने चीटिंग तो नहीं कर दी? पैसे की कमी नहीं है। हाँ, पैसे की कमी नहीं है, बोलो ये पैसा ही पैसा। मैं दिखाती हूँ अपने किचन की हालत, तो आप लोग सोचोगे कि ये किचन है कि चिड़ियाघर है। देखो, ओह माय गॉड, आज मतलब बेसिकली मैंने बताया नहीं, लेकिन बहुत मतलब मैंने खाना बनाया, मतलब आज मैंने खाना बनाया हुआ था, 3-4 तरह की डिशेस थी, एंड यू कैन सी ऑल दिस मेस, बट वर्थ था, बिकॉज सबको पसंद आया। सबसे बड़ी बात होती है खाना बनाते हो, किसी को पसंद आना चाहिए जो खाने वाला है। सो ये सब हुआ, एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा समेटूंगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज बर्तन वगैरह तो सब कल दीदी आएगी तो वही करेगी साफ। एंड लुक एट दिस गर्ल, लुक एट दिस ब्यूटीफुल गर्ल कुकिंग द राइस। और ये सायरा को एक न्यू गिफ्ट मिल गया, और एक उसके पास पिंक था, अब सेकंड उसके पास ब्लू आ गया है। एंड सायरा को इस बार वो भी मिली है ना, बुक्स भी मिली है। सायरा को लास्ट टाइम भी बुक्स दी थी रेनू ताई जी ने, है ना। हाँ। और गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाने भूल गई, ये देखो इसके गिफ्ट सारे। अरे बिक रहे हैं कमरे में, कुछ
अच्छी चीज मिली है, स्पीकर स्मार्ट पोर्टेबल स्पीकर है, बहुत सही वाला। और कल हम लोग गए थे हाजी अली और ये मेरे भाई ने, मतलब इसके मामू ने इसको ये लेके दिया है। ये इन ऑर्बिट से लेके आए थे, मुमसो से करके कुछ है, एंड ऑल और भी उसने बहुत कुछ लेके दिया है जो अभी पता नहीं कहाँ कहाँ पे समेटा हुआ है। बड़ी बात, आज इसने अपने पुप्पू से इतने सारे पैसे मार लिए हैं कितने सारे उन्होंने पैसे भेज दिए बुआ पुप्पू ने, कितने भेजे हैं पता है बुआ? कितने पैसे भेजे हैं, कितना भेजा? थैंक यू बोलो। 5000। थैंक यू बोलो। इसको किसी पे भी यकीन नहीं है, कहते पहले पैसे गिनवाओ सारे फिर पता चलेगा। एंड ये है इसके पापा श्री। आपने क्या गिफ्ट दिया सारा को? ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जय हो। गिफ्ट क्या दिया? कल मिलेगा बेटा। एंड गाइज, आज मैंने भी कटिंग करवाई थी, हेयर कटिंग, बट जैसे मैंने इतना प्यारा सा ब्लो ड्रायर वगैरह करवाया सब कुछ, जैसे मैं बाहर गई बारिश शुरू हो गई और सब मेरा धरे का धरा रह गया वैसे का वैसा। बट इट्स ओके, कल फिर से हम लोग करवा लेंगे। कल फिर से कैसे करवा सकते हैं हम? क्यों? कल वैसे भी मेरा बर्थडे, मैंने ट्रिमिंग करवाई अपने बालों की, तो मुझे अपने थ्री गाइस मैंने अपने बालों की ट्रिमिंग करवाई है, तो मैंने उनको 3 डेज ओपन कर रखना होगा। और ये सायरा के सरप्राइज़ की तैयारी चल रही है, वो सोई हुई थी अभी, हमने उसको उठाया नहीं था। पहले तो उसकी वो पीटीएम थी, इसके लिए मुझे मॉर्निंग जाना पड़ा, वहाँ पे 7:30 पे थी इसकी, तो बस वहीं इसके पापा ने फिर पीछे से थोड़ा सा सरप्राइज़ वो प्लान किया। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पूरा लाइटिंग और टेंट वाला ये सब कुछ, बिकॉज़ सायरा को ये सब चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं उसके हर बर्थडे पे कुछ अलग से सरप्राइज़ देती हूँ, तो सोचा इस बार ये वाला सरप्राइज़ देती हूँ, बहुत अच्छा लगा। और ये सारे इसके गिफ्ट्स पड़े हैं इसके आगे, एंड अभी सायरा की एंट्री करवाएंगे हम लोग, तो आगे का व्लॉग आप देखिए। एंड देखो ये इसकी एज ऑलवेज मस्ती चल रही है दादू दादी के साथ, ये ऐसे अपने फेस बनाती है, एक्सप्रेशन देती है, और यहाँ पे हम सबको पूछ रही है ये केक कहाँ से लिया, ये डेकोरेशन कहाँ से करवाई। सो नेक्स्ट पार्ट पे सेकंड पार्ट होगा बर्थडे का।